हेलो फ्रेंड्स, अगर अब भी हम लोग नहीं समझे और अब भी हम नहीं संभले तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं और समझ भी रहे होंगे कि कोरोना एक एक्सप्लोजिव वे में एक विस्फोट की तरह हमारे सामने आ रहा है। बहुत बुरी तरह से बढ़ रहा है, वैक्सीन लेने के बाद भी बढ़ रहा है। जिन लोगों को पहले कोरोना हुआ था उसके बाद उनको कोरोना फिर भी हो रहा है। जवानों को, बच्चों को ये नहीं होता, वो भी मिथ अब शैटर हो गई है। जवानों को भी हो रहा है, बच्चों को भी हो रहा है, सबको हो रहा है। कोई नहीं बचेगा इससे अगर हम लोग संभलेंगे नहीं। हमें अपनी जिम्मेवारी संभलनी है। गवर्नमेंट को जो करना था वो उसने कर दिया, लॉकडाउन लगाया, उससे अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको बढ़ाया, वैक्सीन बनवाया और अब वैक्सीन लग रहा है, लोग लगवा नहीं रहे हैं। तरह तरह की अफवाह उड़ रही हैं, तरह तरह की बातें बन रही हैं, वैक्सीन लगवाने से भी कोरोना हो जाएगा, वैक्सीन नहीं लगवाने के बावजूद भी कोरोना हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमें अपनी जिम्मेवारी समझनी है, क्योंकि सिर्फ जिस चीज से हमें बचना है वो है कोरोना, और उसको बचाने का सिर्फ एक तरीका है, हमारा मास्क, और मास्क के साथ में वैक्सीन लगवाना। अगर हम वैक्सीन लगवाते हैं तो वो एक कार की सीट बेल्ट की तरह होती है। सीट बेल्ट क्या करती है? एक्सीडेंट को रोकती है? नहीं। सीट बेल्ट हमें बहुत ज्यादा चोट लगने से रोकती है, बचाती है। वैक्सीन का भी वही काम है। 80% लोगों को कोरोना नहीं होगा, 20% लोगों को कोरोना हो सकता है, वैक्सीन लगने के बाद भी हो सकता है, लेकिन वो जो 20% है जिनको कोरोना वैक्सीन लगने के बाद भी होगा या जिनको वैक्सीन लग चुका है, उनका कोरोना इन्फेक्शन इतना सीरियस नहीं होगा कि वो हॉस्पिटल में पहुंच जाएं और आईसीयू में पहुंच जाएं। थोड़ा बहुत ऑक्सीजन डाउन होगा, थोड़ा ऑक्सीजन की सपोर्ट लेनी पड़ेगी, लेकिन बाय एंड लार्ज जितनी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो सब कह रही हैं कि कोरोना के वैक्सीन लगने के बाद आपको सीरियस सिवियर डिजीज से प्रोटेक्शन मिलती है, बचाव मिलता है। इसलिए वैक्सीन लगाना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब हमारी जिम्मेवारी है कि हम वैक्सीन लगवाएं और जहां तक हो सकता है अपने आप को बचा के रखें, घर में बैठे रहें, ज्यादा ना निकलें। निकलें तो सिर्फ इसलिए जो काम घर में बैठ के नहीं हो सकता, जो एसेंशियल काम है उसी के लिए निकलें, नॉन एसेंशियल काम घर से करें, और जब भी निकलें मास्क पहन के निकलें। मास्क और वैक्सीन ही हमारा बचाव है और ये हमारी जिम्मेवारी है, ये किसी और की जिम्मेवारी नहीं है। गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती, जो भी कुछ करना है अब हमें ही करना है। तो प्लीज़ अपने आप को समझाइए, अपने परिवार वालों को समझाइए, बच्चों को समझाइए, सब लोगों को समझाइए, क्योंकि अगर अब नहीं संभले तो बहुत बुरा फंसेंगे। थैंक यू।